के प्रधानमंत्री भाइयों बनो, उन सांसद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब महबूब अली कैसर साहब, पूर्व विधायक आदरणीय मिथिलेश बाबू, मध्य प्रदेश राजद के प्रदेश प्रवक्ता इकबाल शमी साहब, यहां उपस्थित राजद नेता मुकेश सिंह जी, हमारे गुरुवर यादव जी, यहां उपस्थित वैशाली के पूर्व प्रत्याशी संजीव जी, काशी के लोकप्रिय प्रमुख कृपा शंकर शाही जी, वीआईपी के जिलाध्यक्ष महावीर सहनी जी, उपस्थित तमाम मंचासीन इंडिया गठबंधन के साथीगण, और इस मन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आप नौजवान युवा साथी है साथी, जो आप लगातार चार घंटे से इस देश के बदलाव के पक्ष में खड़े हैं, और आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता पूर्व प्रत्याशी शंकर प्रसाद यादव जी जो व्यवस्था यहां किया है, बड़ी अच्छा व्यवस्था करने का काम किया है। और हम युवा साथी से कहना चाहेंगे, जब जब युवा अपने कंधों पर जमा दे लेती है, तब तक देश में क्रांति होता है साथी। आप क्रांति के प्रतीक है, जिस तरीके से इस देश में 2014 में और 2019 में जुमलेबाजी करके इस देश के करोड़ों नौजवान छात्र किसान दलित पिछड़ा सभी वर्गों के लोगों को ठगने का काम किया था साथियों। 10 साल आपने मौका दिया, बिहार से झोरा में मांगने आया था आपने, भोरा में मदद करने का काम किया था साथियों। 40 को 39 सीट देने का काम किया था। अब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो एक भी विकास की बात नहीं करते, भाजपा के लोग आते हैं एक भी विकास की बात नहीं करते हैं। विकास की बात कहने पर यह मंगल टीका और मछली की चर्चा करने लगते हैं, और जब जब बिहार में आते हैं लालू और तेजस्वी के चालीसा पढ़ के चले जाते हैं। इतना डर लगता है इनको लालू जी और तेजस्वी जी में। तो हम बता देना चाहते हैं कि बिहार का एक नौजवान छात्र किसान गरीब तमाम लोग, और किसी के गारंटी पर भरोसा नहीं रहा, अगर गारंटी है तो युवा दिल के धड़कन, बेरोजगारों के मान सम्मान, बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की गारंटी बिहार की जनता है। इनकी जितनी भी गारंटी भाजपा के लोगों का है, सब गारंटी धोखा है। इन्होंने तो आकर के 2014 यही पता ही हवाई अड्डा में बोला था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे, अब प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख देने का काम करेंगे। इनकी गारंटी धोखा हो गया। इन्होंने कहा था 2019 के चुनाव में सभा में कि पता ही हवाई अड्डा से शीघ्र विमान चालू होंगे, मोतीपुर के चीनी मिल के चाय पी करके जाने का काम करेंगे, अगली बार आएंगे तो बोलिए। दोनों गारंटी धोखा हुआ कि नहीं धोखा हुआ? इनकी सभी गारंटी धोखा है, और हम लोग के नेता तेजस्वी जी की गारंटी 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बोला था कि जब ही मेरी सरकार बनी तो हम दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई की काम करेंगे, और बेरोजगारों को नौजवानों को पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। साथियों आपने देखा होगा, आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद तो मिला, लेकिन चोर दरवाजे से सरकार बना ली गई। लेकिन जब चर्चा फिर पलट गए और महाजन संजोग बना तो 17 महीना बनाम 17 साल का विकास गाथा 34 साल के नौजवान तेजस्वी ने लिखने का काम किया, इतिहास लिखने का काम किया, और 17 महीने में
नौकरी देने का काम किया साथियों, आईटी पॉलिसी बनने का काम हुआ, खेल पॉलिसी बनने का काम हुआ, टूरिज्म पॉलिसी का काम हुआ, 50,000 करोड़ का निवेश किया गया। तो हम लोग को 17 महीने का जो विकास किया है, हमारे नेता और हमारे पार्टी का एक एक नौजवान साथी महागठबंधन के लोग सीना ठोक करके लोग के बीच में जाते हैं और अपनी विकास की गाथा बताने का काम करते हैं साथियों। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या करते हैं, विकास की कोई बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, भाइयों बनो जब इनकी गठबंधन की सरकार बने तो आपकी दो भैंसे में एक भैंसे छीन लिए जाएंगे। क्या बात, अब विश्व के नेता बनते और यही बात करते, आपको विकास की बात नहीं करते हैं। इसलिए आज पूरे देश में इनकी विदाई हो रही है, पूरे देश में बदलाव की लहर है। ये 405 के गारंटी वाले लोग जनता जो है उनको 205 की गारंटी भी जो है तो नहीं होने देने जा रही है। और पूरे बिहार का एक नौजवान और देश का नौजवान छात्र किसान तमाम लोग मिलकर के यह कह रहा है कि मोदी जी जनता आ रही है कि सिंहासन खाली करो साथियों। इसलिए अब सिंहासन खाली होने जा रहा है, अब जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें 15 अगस्त आने वाले में समय में 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दिया जाएगा साथियों। और गैस सिलेंडर का दाम जो 500 से 1200 से 1300 हो गया है, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पूरा गैस सिलेंडर 500 में दिए जाएंगे साथियों। ये तेजस्वी की गारंटी है, तेजस्वी जी की दूसरी गारंटी है कि हम गरीब महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर प्रत्येक साल 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे साथियों। ये तेजस्वी जी की गारंटी है। 200 यूनिट बिजली देश के लोगों को, बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा, ये तेजस्वी जी की गारंटी है साथियों। इसलिए तेजस्वी जी का गारंटी होता है और भाजपा के लोगों की गारंटी जुमला होता है साथियों। इसलिए जुमलेबाजों को आने वाले 25 तारीख के वैशाली की धरती के आप लोग हैं और वैशाली पूरे दुनिया में वैशाली की पहचान है। हमारा यह वैशाली लोकतंत्र की जननी है, इसलिए लोकतंत्र और संविधान पर लगातार सरकार के द्वारा हमला की जा रही है, तानाशाही सरकार के द्वारा। इसलिए हम लोगों का फर्ज बनता है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। इसलिए आगामी 25 तारीख को पूरा वैशाली को लालटेनमय कर देना है साथियों। और हम लोग का प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मुन्ना शुक्ला जी को भारी से भारी मतों से जीता करके और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जैसे रघुवंश बाबू बरसते थे, जब संसद चलता था तो देश के लोग खास करके बिहार के लोग टीवी में रघुवंश बाबू का चेहरा जरूर देखते, अब उनके मदस्वी भाषण को जरूर सुनने का काम करते थे, जो गरीब दलित छात्र किसानों के लिए बोलने का काम करते थे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपका वैशाली का बेटा मुन्ना शुक्ला भी रघुवंश बाबू की तरह गरजने का काम करेगा और वैशाली के आन बान और शान को बचाने का काम करेगा। इसी के साथ ही तमाम वैशाली से पारू विधानसभा क्षेत्र के नौजवान छात्र किसान अभिभावकगण महिलाएं बच्चे सभी लोगों को हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं और आपका मुस्कुराहट निश्चित तौर पर यह बयां कर रही है कि हम लोग जो है काफी एक वैशाली में भारी से भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं है। जय हिंद, जय बिहार, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आज चुपचाप